हाय एवरीवन एंड वेलकम टू सोशल अनियन। तो आज के वीडियो में हम फुल फैमिली आप सबको लेके जाने वाले हैं कोलकाता के वैदिक विलेज रिजॉर्ट में, जो कि राजारहाट में लोकेटेड है। और कोलकाता के ये बहुत फेमस रिजॉर्ट है, तो जो भी लोग डे आउटिंग करना चाहते हैं या पिकनिक टाइप का करना चाहते हैं वो कोलकाता के ये वैदिक विलेज रिजॉर्ट में अक्सर जाते हैं। तो गुंडी के अन्नप्राशन के बाद घर में मासी लोग थे, मेरी सारी मासीज थी, मैं थे, मेरा भाई था। तो एक मासी ने प्लान बनाया कि कहीं बाहर आउटिंग करने जाते हैं, और बहुत रिसर्च करने के बाद, सोच विचार करने के बाद हम लोगों का एक सडन प्लान बना के वैदिक विलेज में ही जाते हैं, क्योंकि वो हमारे घर से पास ही था, अराउंड 1 आवर के डिस्टेंस में ही था। तो वही हमने चूज़ किया। तो हमने एक बड़ी सी गाड़ी सिलेक्ट कर ली, एक बस जैसी गाड़ी जिसमें हमारी पूरी फैमिली भी आ जाती और गुंडी का जो एक्स्ट्रा सामान था वो सब भी आ जाता। तो हम लोग सुबह 9 बजे निकले, और नॉर्मली जो भी ट्रैफिक वगैरह है उसके अनुसार हम लोगों को 10:30 बजे तक वैदिक विलेज पहुंच जाना था। वैदिक विलेज की जो एंट्री होती है वो अराउंड 11 o'clock होती है, तो इसीलिए हम हाथ में थोड़ा समय रख के ही जाना हमने प्रेफर किया। अब हमने रात को फ़ोन करके वैदिक विलेज में पूछ लिया था कि एंट्री हमको मिल जाएगी या पहले से बुकिंग करनी होगी, तो हमें फ़ोन पे तो यही बताया गया कि आप लोग आ जाइए, पहले से बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम जब गेट पर गए, गेट तक पहुंचे, तो गेट पे हमें रोक लिया गया और उन्होंने हमसे बुकिंग की रिसीट्स वगैरह मांगी। तो फिर से फ़ोन करना पड़ा और फिर से वहां से सारी बात हमने सिक्योरिटी वाले से फ़ोन पे, जो भी रिसेप्शन में थे उनसे बात कराई, और फाइनली हमारी बस को उन्होंने छोड़ा और हम रिसेप्शन तक पहुंचे। रिसेप्शन पर पहुंचने के बाद जो वाइब था वहां का वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसा नाम था वैसा ही लुक एंड फील भी था रिजॉर्ट का, जैसे एकदम वैदिक विलेज उन्होंने बोला है तो उसी तरह से उन्होंने वहां का डेकोर किया था। बहुत ही रस्टिक डेकोर था, बहुत ही प्लीजिंग, आई प्लीजिंग डेकोर था। जो उन्होंने इनफैक्ट जो रूफ एरिया भी था वो भी बहुत रस्टिक तरीके से उन्होंने एकदम सॉफ्ट लाइटिंग देके रस्टिक तरीके से रखी थी। तो हम यही सब देख रहे थे, सुंदर लग रहा था। क्या हुआ, क्या चल रहा है? बुकिंग हो गया। हाँ? कितना का? 16 17 के फॉर 8 पीपल। 16923 फॉर 8 पीपल। गाइस, ये है मेरा भाई और इसका घर का नाम है ओइको और इसका गुड नेम है एकोर्शी। और हम लोग बहुत साल बाद, आई थिंक लास्ट हम लोग एक साथ जब घूमने गए थे आफ्टर कोविड, कोविड के बाद हम कहाँ घूमने गए थे, घूमने मतलब वो पूरी में घूमने गए थे जब ये 5 साल का था। उसके बाद हम ये फर्स्ट आउटिंग पे आ रहे हैं। तो भाई कैसा लग रहा है आपको वैदिक विलेज में आके? तो हमारा दिन का शुरुआत ब्रेकफास्ट से होने वाला था, लेकिन हमारा दिन का शुरुआत हुआ है गुंडी की पॉटी से। तो अभी आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन क्लीनिंग अप, क्लीनिंग हर अप एंड चेंजिंग हर डायपर। और ये देखिए कितना सुंदर है, ये कैमरा में नहीं आ रहा, मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ। जस्ट लुक एट दिस स्विमिंग पूल, क्या नज़ारा है। ब्रेकफास्ट निपटा के यहीं पे बैठने वाली हूँ मैं सारा दिन। सू चले गए हैं, बेबी मम्मी के पास है, मैं आज हैंड्स फ्री हूँ, लेकिन फिर भी मैंने ये पहना हुआ है बिकॉज कभी भी हो सकता है कि बेबी को मम्मी के पास आना हो, तो उसके लिए आई एम ऑलवेज प्रिपेयर्ड। अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, वो रहे सू। बाय द वे, अगर मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है तो मैं जल्दी से बता दूँ कि ये हमारा फुल डे आउट है इन वैदिक विलेज, और ये है पैकेज ऑफ 1799 पर पर्सन। हम 8 लोग आए हैं। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द ब्रेकफास्ट एरिया, जो कैसा होगा मुझे मालूम नहीं है। तो एनीवे, हमारे पैकेज में इंक्लूडेड है 11 o'clock से ब्रेकफास्ट, उसके बाद हम यहाँ पे कहीं पर भी चिल आउट कर सकते हैं, उसके बाद लंच, और लंच के बाद होगा हाई टी, और देन देर आर इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, एंड यू नो फुल डे ऑफ मस्ती। ये शायद ब्रेकफास्ट लग गया है, छोले भटूरे लग गए हैं। अच्छा,
फोटोशूट पे लग गए, ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रेकफास्ट के बाद ही सब फोटोशूट पे लग गए। और फिर हम सोच रहे थे कि हम क्या करें नेक्स्ट, क्या करें, तो हमने डिसाइड करा कि हम बोटिंग पे जाएंगे, क्योंकि बहुत दिनों से हम में से किसी ने भी बोट राइड नहीं लिया था। तो बोट राइड वहाँ पर ही इंडोर में ही एक उन्होंने एक लेक जैसा, छोटे से लेक जैसा बनाया हुआ है, और वो बहुत सुंदर लगा मुझे। और उसी के आसपास उन्होंने हट्स जैसे रिजॉर्ट्स बनाए हुए हैं, या केबिन बोल सकते हैं, केबिन्स बनाए हुए हैं। और ये केबिन्स बिल्कुल वैसे थे जैसे गांव में लोगों के मिट्टी से घर बनते हैं ना, वैसे ही उन्होंने ये मिट्टी के घर बनाए हुए थे। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। एंड इट इज़ सो फनी कि इस तरह के घरों में ही गांव में हम लोग रहते थे आज से बहुत साल पहले, 50-60 साल पहले, जब गांव में सबके घर हुआ करते थे, तो इसी तरह के घर हुआ करते थे सबके। लेकिन फिर हम सब ये सब घर और अपना गांव छोड़ के बाहर जॉब पे आ गए, और हम सब अभी शहरों में रहते हैं, कॉन्क्रीट के घरों में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं। और फिर जब हमें अपने वो मिट्टी से जुड़े दिनों की याद आती है, तो वो ही यादें ताज़ा करने के लिए फिर हम इसी तरह के मैन मेड विलेजेस में चले जाते हैं। और मैन मेड विलेजेस में जाके हम इस तरह के घरों में रहते हैं जो घर मिट्टी से बने होते हैं। वैसे इन घरों के अंदर सारी सुख सुविधाएं हैं, एसी है, चाय कॉफ़ी, जो भी मॉडर्न लिविंग का जो भी रिक्वायरमेंट होता है इन कॉटेजेस में, वो सारे रिक्वायरमेंट है। ये जो कॉटेजेस है ना, इसमें आपको एक दिन का, एक रात अगर आपको रहना है तो आपको 15,499 देना पड़ेगा, ऐसा वहाँ के लोगों ने मुझे बोला। अब मेरा मन था रहने का वन नाइट, लेकिन मुझे लगा कि एक रात के लिए 15,499 कुछ ज़्यादा ही है, मतलब 15,499 कुछ ज़्यादा ही है जस्ट फॉर वन नाइट। तो हमने वो वाला प्लान ड्रॉप कर दिया और हम बोटिंग पे चले गए। तो बोटिंग में दो बैचेस में जा रहे थे हम। फर्स्ट बैच में मेरा भाई गया, मेरी मम्मी मासी लोग गए, और सेकेंड बैच में सू और एक मेरी एक और मासी और मेरे मौसा जी और मैं गए थे। तो वैसे तो इनके पास 3-4 बोट थे, हम सब एक साथ ही बोटिंग करने जा सकते थे, लेकिन फिर गुंडी थी और गुंडी को लेके हमें पानी में नहीं जाना था, इसीलिए हमेशा ऐसा कोई चाहिए था जो मतलब बैंक में ही रहे, मतलब लैंड एरिया में ही रहे, गुंडी को संभाले। इसीलिए हम दो भाग में बोटिंग करने गए, और बहुत सालों बाद बोटिंग करा तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ है अराउंड 6 मंथ्स लगे, अभी तक मैं फिर भी पूरी तरह से रिकवर नहीं की हूँ, तो मुझे पहले लगा कि शायद मैं बोटिंग ठीक से नहीं कर पाऊँगी। लेकिन जब मैं एक बार गई और मैंने क्या कहते हैं उसे, पैडलिंग कहते हैं, पैडलिंग जब मैंने शुरू की, सो आई वॉज रियली सरप्राइज्ड हाउ ईजी इट वॉज, और मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई। और हम करीब हाफ एन आवर तक पानी में ही रहे, पानी में रहे इन द सेंस बोटिंग करते रहे। और उसके बाद हम एक और जगह एक आउटडोर एक्टिविटी करने गए। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं, ऐसा एक बना हुआ है वहाँ पे, ऐसा एक गेम बना हुआ है जिसके 3 लेवल्स होते हैं, और इसके लिए भी अलग से पे करना पड़ता है। फर्स्ट लेवल में आपको पर पर्सन 600 देना पड़ता है। अगर आप फर्स्ट लेवल क्लीन कर लेते हो यानी क्लियर कर लेते हो, तो सेकंड लेवल में आपको पर पर्सन 200 रुपीज़ देना पड़ता है। और आपको फिर थर्ड, अगर आप सेकंड वाला लेवल भी क्लियर कर लेते हो, तो थर्ड लेवल में फिर से पर पर्सन 400 रुपीज़ देना पड़ता है। तो मेरी भी बहुत इच्छा थी कि मैं ये वाला करूं, लेकिन मैं शूज़ पहन के नहीं गई थी, इसीलिए मुझे उन्होंने अलाउ नहीं करा। तो इस वाला गेम को अगर आपको करना है, तो इसके लिए आपको ऐसे क्लोज्ड शूज पहन के जाने होंगे। तो मेरी मासी ने किया और आई वाज सरप्राइज्ड, शी वाज क्वाइट अ स्पोर्ट, उन्होंने काफी एंजॉय भी करा। और पहले वो थोड़ा थोड़ा डर रही थी, लेकिन वंस शी गॉट अ होल्ड ऑफ इट, तो शी वाज ऑलमोस्ट डूइंग इट प्रेटी इजिली। और सू भी थे मासी के साथ साथ, वो थोड़ा सा मासी का मनोबल बढ़ा रहे थे। आउटडोर एक्टिविटी के बाद इट वाज टाइम फॉर लंच, उसमें बफे लगा हुआ था, वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शन ही थे। जो ऑप्शन था वो बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन खाना जो बना था वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी था। तो हम सब ने बहुत इन्जॉय किया, अच्छे से शांति से पेट भर के खाना खाया। उसके बाद हम सब इतना थक गए थे और खाना खाने के बाद इतना आलस आ रहा था कि हम बस पूल साइड पर लेट गए। आई हैड नॉट एनर्जी फॉर एनीथिंग एल्स, तो मैं बस गुंडी के साथ पूल साइड पे ही लेटी रही। लेकिन मम्मी और भाई वॉन्टेड टू डू आर्चरी, तो भाई चला गया आर्चरी करने, जो कि पास में ही था। और ये पर हेड 200 था आर्चरी 200 था ना, पर हेड 200 करके उन्होंने अलग से लिया।
और फिर 200 में आई थिंक दे गेट 5 शॉट्स ईच, तो भाई का भी बड़ा मस्त लगा शॉट और मम्मी ने भी अच्छा शॉट लगाया, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, लेकिन मम्मी का भी शॉट बहुत अच्छा लगा और मम्मी ने भी एकदम तीर निशाने पर लगा दिया। जोर लगा के ऐसा क्या शॉट है, एकदम परफेक्ट। तो गाइज दैट वाज ऑल, बस इसी तरह से हमारा बहुत अच्छा दिन बीता, फुल फैमिली हम गए और बहुत अच्छा दिन बीता हमारा वैदिक विलेज रिजॉर्ट में। एंड आफ्टर द डे एंड हमने अगेन देयर वाज अनदर सेशन ऑफ हाई टी, तो आई ऑप्टेड फॉर कॉफ़ी, मम्मी ऑप्टेड फॉर टी, और वहाँ पर भी रेगुलर स्नैक्स थे जैसे केक था, कुकीज़ था, पेस्ट्रीज थी, तो हम वो सब खाए और थोड़ा सा चिल किए। फिर हमने अपने बस को बुलाया, और बस तो नहीं, हमारा विंगर था वो, गाड़ियों के नाम मुझे ज़्यादा याद नहीं रहते, एनीवेज इट वाज अ विंगर, सो आई कॉल्ड फॉर माय विंगर और फिर हम वापस आ गए। तो इसी तरह से हमारा दिन बीता। सो दिस वाज आवर वीडियो फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग, और इस तरह के अलग अलग व्लॉग्स देखने के लिए डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। बाय बाय।